नमस्कार। पिछले भाग में हमने आकृतियों के बारे में जाना, आज हम ठोस आकार के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं क्षेत्रमिति भाग 2 अध्याय 11। ठोस आकार। हमें आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है वे सिर्फ 2D द्विमीमीय नहीं होती, वे 3D त्रिविमीय होती है। ठोस वस्तुओं में हम सामान रख सकते हैं जो 2D में संभव नहीं है। ठोस वस्तुओं का परिमाप के जगह सतह का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल के जगह आयतन होता है। जैसे कि यह बस एक घनाभ का उदाहरण है, यह पानी की टंकी और यह पानी की बोतल बेलन का, तथा ये कार्टून घनाभ का उदाहरण है। विषय जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, माप की इकाइयां घनाभ, घन, शंकु तथा बेलन। माप की इकाई या यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में परिवर्तित करने पर आएगा 10 लाख मिलीमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर होता है 1,000 मीटर गुणा 1,000 मीटर या 10 लाख मीटर स्क्वायर। आयतन की इकाइयां। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1,000 मिलीमीटर क्यूब के। 1 मीटर क्यूब 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर का मान 1,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तथा 1 मीटर क्यूब का मान 1,000 लीटर होता है। यह चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है एक घनाभ का चित्र है, जिसे अंग्रेजी में क्यूबॉइड भी कहते हैं। घनाभ त्रिविमीय आकार है जिसकी तीनों विमाएं बराबर नहीं होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई में से किसी एक का शेष की तुलना में असमान होना आवश्यक है। हम घनाभ को इस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले दो आयत बनाएं और उनके चारों कोने को परस्पर जोड़ दें। अब हम घनाभ का क्षेत्रफल जानेंगे। घनाभ को खोलने पर हमें इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति में क्षेत्रफल 1 का मान होगा L गुणा B, क्षेत्रफल 2 का मान होगा H गुणा L, क्षेत्रफल 3 का मान होगा H गुणा B। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा क्षेत्रफल 1 धन 2 गुणा क्षेत्रफल 2 धन 2 गुणा क्षेत्रफल 3, जिसका मान आ जाएगा 2 गुणा गुणा बी धन एच गुणा एल धन एच गुणा बी। अब हम घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल जानेंगे। पार्श्व क्षेत्रफल में हमें क्षेत्रफल 1 नहीं जोड़ना होता है, मतलब हमें ऊपर और नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल नहीं जोड़ना होता है। पार्श्व क्षेत्रफल का मान हो जाएगा 2 गुणा क्षेत्रफल 3 धन 2 गुणा क्षेत्रफल 2 जो गुणा एच गुणा एल धन बी। अब हम जानेंगे घन के बारे में। जब घनाभ की तीनों विमा बराबर हो जाती है तो वह आकार घन कहलाता है। हम घन को भी घनाभ की तरह ही बना सकते हैं। इसमें हमें दो वर्ग बनाने हैं और फिर उनके कोणों को परस्पर जोड़ते हुए 4 रेखाएं बनानी है। अब हम घन का क्षेत्रफल जानेंगे। घन को खोलने पर हमें कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। यह वर्ग से बनी हुई है। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है L2। अगर हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका मान होगा 6 गुणा L2, और अगर हमें सिर्फ पार्श्व क्षेत्रफल निकालना है तो इसका मान होगा 4 गुणा L2। यह आकृति जो आपको दिखाई दे रही है एक शंकु है, जिसे अंग्रेजी में हम कोन कहते हैं। लंबवृत्तीय शंकु ज्यामिति की एक ठोस आकृति है। यह किसी सर्कस के तंबू या मंदिर के शिखर की तरह दिखाई देती है। अब हम जानेंगे कि हमें शंकु किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। यह ठोस एक समकोण, त्रिभुजाकार, चादर या दफ्ती के टुकड़े को समकोण बनाने वाली किसी भी भुजा के परिगत 360 अंश घुमाने पर प्राप्त हो सकता है। जैसे कि इस चित्र में अगर हम इस त्रिभुज को H के परिगत 360 डिग्री घुमाएंगे तो हमें एक शंकु प्राप्त होगा।
तो अब हम शंकु का क्षेत्रफल जानेंगे। इसका पार्श्व क्षेत्रफल का मान होता है पाई आर एल, जिसमें हम नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल नहीं गिनते। एल का मान होता है एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर का वर्गमूल। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पार्श्व क्षेत्रफल धन वृत्त का क्षेत्रफल, जिसका मान हो जाएगा पाई आर एल धन पाई आर स्क्वायर। चलिए अब हम अगले आकार की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे बेलन के बारे में, जिसे अंग्रेजी में हम सिलेंडर कहते हैं। बेलन ज्यामिति में एक त्रिआयामी ठोस की आकृति है। इसका पार्श्व क्षेत्र पृष्ठ वक्र सिरे समान त्रिज्या के वृत्ताकार होता है। बेलन सरल रूप में एक रोलर या समान व्यास का ग्लास है। बेलन को खोलने पर हमें कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई पड़ती है। बेलन एक आयत और दो वृत्त से बनाया जा सकता है। आयत की लंबाई बेलन की लंबाई के बराबर और उसकी चौड़ाई वृत्त के परिमाप के बराबर होनी चाहिए। अब हम बेलन के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। इसका पार्श्व क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, जिसमें हम वृत्त के क्षेत्रफल को नहीं गिनते, तथा इसका कुल क्षेत्रफल होता है पार्श्व क्षेत्रफल धन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। इसका मान आ जाता है 2 पाई आर एच धन 2 पाई आर स्क्वायर। हम बेलन का क्षेत्रफल याद रखने के लिए इस चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह चित्र एक बेलन को खोलकर बनाया गया है। इस चित्र में जो आयत दिखाई पड़ रहा है वह बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हमारा पार्श्व क्षेत्रफल आ जाता है आयत का क्षेत्रफल के बराबर, जो होगा 2 पाई आर गुणा एच। अब हम कुछ उदाहरण हल करेंगे। रुखसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगह पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। इस पेटी को हम एक घनाकार रूप देख सकते हैं। इसकी लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर तथा ऊंचाई 1.5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल होगा पार्श्व क्षेत्रफल धन ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल, जो होगा 2 गुणा h गुणा l धन b धन l गुणा b, जो कि गणना करने पर उत्तर आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। दूसरा उदाहरण, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदेश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। हम बेलन को इस चित्र के अनुसार देख सकते हैं, पर क्योंकि यह बेलन खोखला है तो हमें वृत्तों के क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करने हैं, इसलिए चादर की चौड़ाई बेलन की लंबाई के बराबर हो जाएगी। खोखले बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल होगा 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 पाई आर एच, जिसे हम 2 पाई आर गुणा 33 लिख सकते हैं। हमें आर का मान नहीं निकालने बोला गया है, इसलिए हम लंबाई को 2 पाई आर ही रहने देंगे। 2 पाई आर का मान, जो एल के बराबर होगा, आ जाएगा 128 सेंटीमीटर, जिससे आयत का परिमाप आ जाएगा 2 गुणा l धन b, जिसका गणना करने पर उत्तर आएगा 322 सेंटीमीटर। चलिए अब हम अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है, तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है? हम देख सकते हैं कि यह लेबल एक बेलन के रूप में है, जिसकी ऊंचाई 20 में से 2 और 2 4 घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगी। इसकी ऊंचाई आ जाती है 16 सेंटीमीटर। अब इस बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच या 2 पाई गुणा 7 गुणा 16, पाई
पाई का मान 22 बटा 7 रखने पर हमारा उत्तर आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारांश, आज हमने ठोस आकार के क्षेत्रफल के बारे में जाना। अगले भाग में हम ठोस आकारों के आयतन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।